आपने या तो किसी लाइव सेशन में जाना होगा या फिर किसी हमारे लेसन में आसान भाषा में देखिए बिटवीन का मतलब होता है बीच में एंड अमंग का मतलब भी ऑफ कोर्स बीच ही होता है डिफरेंस क्या है बिटवीन आप कीजिए यूज जब आप दो यू you नो know, चीजों के बीच की बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी जो चाइल्ड है वो माता पिता के बीच में सो रहा है तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वी विल से द चाइल्ड इज स्लीपिंग बिटवीन द पेरेंट्स राइट अब बिटवीन क्यों यूज किया हमने क्योंकि वो दो लोगों के बीच में है दो चीजों के बीच में है अगर मैं बोलू मैं बोलू की आई एम स्टैंडिंग बिटवीन यू नो लेट से बिटवीन यू नो प्रमट एंड यू नो लेट्स द कैबिनेट तो मैं दो चीजों के बीच में खड़ी हुई हूं अगर आप देखिए आप कहाँ बैठे हैं क्या दो चीजों के आप बीच में बैठे हैं या फिर आप दो से ज्यादा चीजों के बीच में बैठे हैं अगर दो से ज्यादा चीजों के बीच में बैठे हैं, तो आप यूज करेंगे वहां पे अमंग और राइट जैसे कि आ, हम यहां पे बोल सकते हैं मान लीजिए आप हैं तो आप बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग अमंग माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स मैं अपने दोस्तों के बीच में खड़ी हूँ। अब बीच में से यहां मतलब ये नहीं है कि भाई बीच बिल्कुल नहीं जब दो से ज्यादा है तब आप अमंग यूज कीजिए ऑल राइट एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए uh, मान लीजिए ये आपका घर है राइट right? और यहाँ पे एक पेड़ है यहाँ पे एक पेड़ है अब मैं पूछूंगी hey, uh, where is your house? मैं कि हे आपके घर आ रही थी है ना वो दो बैनियन ट्रीज के बीच में है। क्या आपको दिख रहा है तो मैं बोलूंगी हाँ मुझे दिख रहा है आई कैन सी देर आर टू यू नो टन ट्रीज इज योर हाउस यू नो इन येलो कलर और रेड कलर

अमंग बैनियन ट्रीज ना कि बिटवीन सो बिटवीन एंड देन अमंग आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड राइट अब चलिए आप इस सवाल का जवाब दीजिए जो कि है यू uh, नो you know, आप अपने आसपास देखिए जहां पर भी आप बैठे हैं जिस भी रूम में आप बैठे हैं आप बिटवीन को यूज करके एक सेंटेंस बनाइए जल्दी से लेटमी सी हाउ मेनी ऑफर्स आर एबल टू मेक अ सेंटेंस